एक बोटी भी नहीं खाई आपके भाई ने, और जो कलेजी है ना वो भी मैंने ना दो पीस खाए थे कल, जो है दो आवे वो खाई है। क्या चीज? टीमे वाली टिक्की है जो। लेकिन बोटी नहीं खाई ना, वो बोटी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज है ईद का तीसरा दिन, और आप लोग यानी खा पी के खाने वो गोश्त खा के थक गए होंगे, तो हम भी थक गए। हमने सोचा कि क्यों ना कि कहीं जाया जाए। और ये नाबिया देखें, नाबिया कितनी प्यारी है, नाबिया कैसी प्यार हुई है बताओ भी सब। नाबिया तो बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को, बहुत प्यारा लग रहा है। और मेरा काका जो है ना वो अपनी नींद पूरी कर रहा है, उसने बाद में तैयार करेंगे वहां जाके। तो आज भाई हम किधर जा रहे हैं यार? आज ना कोई मैंने हमें पार्टी दी है प्लाजा, मैंने प्लाजे पे बुलाया हुआ है, पार्टी दी हुई है। न्याय ने उधर उठना ही नहीं है, कोई बात नहीं ना होते। मैंने जब अपनी नींद पूरी करी है, सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो इस वजह से सो रही है। जी अब मसला ये है कि आयशा और बच्चे जो है ना, वो उनको मैं रात को छोड़ाया था उनकी नानी के घर, तो अब सबको इनवाइट किया हुआ है। तो अब पहले जाना पड़ेगा हमें आयशा की अम्मी के घर, वहां से उनको पिक करना पड़ेगा और पिक करके फिर जाना पड़ेगा आगे, ठीक है। और साजिब अभी भी तैयार है, वो बस अंदर है। हम इधर ए सी लगा हुआ था इसलिए इस रूम से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ना भी आप बताओ आज कैसा है? और वहाँ पे बहुत ज्यादा गेस्ट आए हुए हैं, आपको सब गेस्ट से मिलाएंगे। आज ये सारे यूट्यूबर्स वहाँ पर आए होंगे इंशाल्लाह, जो सारे यूट्यूबर्स से मिलाते हैं। और नाबिया तो बहुत पाला लग रहा है मेरे को है। नाबिया ने पूछा भी है, नाबिया को बताया कि कैसी लग रही है नाबिया, नाबिया कैसी लग रही है आपने बताना है। और नाबिया आपकी ईद कैसी गुजरी ये बताओ? अच्छी ईद गुजरी थी। ईदी कितनी मिली आपको? मिली है मुझसे तो ली नहीं, मुझसे ली ली थी नहीं ली। चलो मैं आप सबको ईदी दूंगा कल, ठीक है। कल मैं सबको नए नोट ला के दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं नए नोट ना। और मेरा काका सो रहा है, चलो भाई जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया है, 5 बज गए हैं। और 5 बजे ही बुलाया हुआ था और 5 ही बज गए हैं। और अनम सिस्टर की मुझे कॉल आ रही है, तो फिर चलो ये तैयार हो जाओ सारे। सादिया भाभी भी आ गई हैं, तैयार हो गई हैं। तैयार तो मैं हो गई हुई थी, बच्चों के पैंपर्स बच्चों का सामान जो है ना वो इकट्ठा करने में टाइम है। दो चीजें पैंपर रखने की, इतनी चीजें होती है कहीं लेके जाना, उनका बैग एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ता है। हाँ जी, चलो चलते हैं फिर। पहले हम जाएंगे आयशा को पिक करते हैं और बच्चों को पिक करते हैं फिर हम। क्या फिर किधर जाना है बताओ? पाजे पे नाबी आजकल बहुत ज्यादा बातें करने लग गई है, छोटी वाली बातें बच्चों वाली बातें नहीं करती, बड़ों वाली बातें करती है। लेकिन मैं माशा इसको कहती है बस अपनी उम्र के मुताबिक ही बातें करो तो बेहतर लगो। नहीं नहीं बच्चों को बातें करने देनी चाहिए, जितनी ज्यादा बातें करेंगे उतना ही उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड होता है, ठीक है ना। चलो अभी अब हम निकलते हैं, अनम सिस्टर की भी कॉल आ गई है, वो भी घर से निकल चुके हैं। तो वो कह रहे थे हमारा वेट करें, लेकिन मैंने कहा हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले जाना है, आशा को पिक करना है, तो फिर हम निकलते हैं अभी। चलो जी, लो जी अब हम जा रहे हैं, पहले हमने पिक करना है आशा को, ठीक है। आशा को पिक करते हैं उनके अम्मी के घर से और फिर हम जाएंगे प्लाजे पे। और प्लाजे पे जो है ना आज सारे यूट्यूबर्स इकट्ठे होने वाले हैं और एक बड़ी वीडियो है, वो वीडियो तो यानी कि लाइव ही दोपहर में आएगी, लेकिन हम अपनी छोटी मोटी जो वीडियो बनाते हैं वो हम इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। व्लॉग आएगा आपको, हमारा व्लॉग आएगा कि हमने ईद का तीसरा दिन कैसे गुजारा। तो आज क्योंकि बहुत ही कम होता है कि हम सारे ना एक दफा इकट्ठे हो, तो मेरा भी यही था कि मैंने ही क्या बताया भाई को कि वीडियो बना लेते हैं ताकि बहुत कम होता है कि हम वीडियो में सारे इकट्ठे आए, तो इसलिए फिर हमने ये वीडियो बना रहे हैं। और दूसरा सारा दिन आज घर में ना ऐसे ही बेड में लेटे हुए गुजर गया सारा दिन ना, क्योंकि बच्चे भी गए हुए थे तो हमने कोई खाना पीना भी नहीं किया ज्यादा ना, वरना उसकी वीडियो बनाते कोई कहीं कोई दोस्त यार की भी कॉल नहीं आई, कोई भी नहीं आया। तो फिर उमैर ने तो दावत दी हुई थी, तो हमने भी उमैर के लिए हम वेट कर रहे थे। चलो भी गोश्त खा के ना थके हुए हैं, नींद पूरी की है अपनी। और आज मैंने तो गोश्त खाई, एक बोटी भी नहीं खाई, एक बोटी भी नहीं खाई आपके भाई ने,
और जो कलेजी है ना वो भी मैंने ना दो पीस खाए थे कल, जो है दो आपने वो खाई है। क्या चीज? टीमे वाली टिक्की है जो। हाँ लेकिन बोटी नहीं खाई ना, वो बोटी हो गया था। और वैसे मैंने आज ही खाई है कि यार वो कल की बची हुई एक मैंने आज खाई है यार, वो बहुत ही मजेदार थी उसकी, आप जाके वीडियो देखे, मैं कहता हूँ कमाल नहीं हो गया, कमाल किस्म की वो यानी कि वो रेसिपी है। और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, अम्मी कहती होती है कि इसको ना जो कच्चापन खत्म करने के लिए इसको वो कर ले स्टीम दे, स्टीम देते हैं। और स्टीम देने से ये होता है कि जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल अंदर चला गया होता है ना वो भी निकल जाता है। हाँ। यानी कि वो ऑयल फ्री हो जाता है, फ्राई करें उसके बाद स्टीम दे तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना उसके अंदर वो भी खत्म हो जाता है, वो भी निकल जाता है, ज्यादा नुकसान नहीं होता। हाँ तो बड़ा मजा आया यार वैसे कल खा के ना, सबने इंजॉय किया। तो चले अब चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं वहाँ। आयशा को पिक करते हैं, बच्चों को पिक करते हैं और फिर हम चलते हैं सीधा प्लाजे पे। तो जी हमारे पास टाइम नहीं है तो हमने बस यहीं से पिक करना है, बच्चों को बिठाना है अंदर। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ बाबा जी, आ गए जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है। मेरा काका भी आ गया। लो जी बच्चों को पिक कर लिया है हमने, पीछे आगे बच्चे। तो आशा, आशा को पता ही है वैसे हमने जाना किधर है, क्यों आशा? हाँ, मैं का दूसरा फोन आ गया तो मैंने जो है ना वहाँ पर एक बड़ी पार्टी अरेंज की हुई है तो वो पार्टी हम अटेंड करने जा रहे हैं। तो अब हम सीधे जाएंगे प्लाजे पे, ठीक है। अनम सिस्टर का भी फोन आ रहा है, वो भी रास्ते में है, उन्होंने किसी के घर जाना था गोश्त देने, वो दे के वो सीधे वहाँ पहुँच रहे हैं। तो जी उनसे पहले हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। चलो जी चलो हम चलते हैं। पहुँच गए हैं हम ट्रेनिंग सेंटर, ये वो, तो अभी चलते हैं ऊपर। उमेर भाई ने देख लिया होगा तो उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी होगी, तो हम चलते हैं अभी ऊपर, फिर मिलते हैं उनसे। लिफ्ट में मैं आयशा और काका, और काका शरारते करनी है तो जी हम पहुंच गए हैं। अरे भाई पहले पहुंच चुके हैं, खोलो दादा। ये मेरा काका, काका यार तू भूल गया, मैं तेरे गाने सुनाऊं? तो जी हम आगे हैं पराठे पे और ये बैठी है सादिया बबी, इधर बैठी है आयशा और उधर जो मेहमान है वो मेजबान है वो उधर है। तो अभी और भी बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। तो इस वक्त जो है ना मैं गाड़ी में बैठा वेट कर रहा हूँ, मेरे साथ जो भाई हैं उमेर भाई और एयान जो है ना वो अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पिज़्ज़े बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़े ऑर्डर किए हैं डोमिनोज के, ऑल मेन्यू जो उनका जितना भी मेन्यू है ना सारा ऑर्डर किया हुआ है डोमिनोज का, क्योंकि उमेर भाई जो है ना आजकल एक सीरीज चला रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने क्या बनाया था, देव केएफसी का फुल मेन्यू किया था और आज जो है ना कर रहे हैं वो डोमिनोज का। तो डोमिनोज के पिज्जे जो है ना बहुत जबरदस्त होते हैं, वो आज हम खाएंगे और वही खाने हम इधर आए हुए हैं। तो ये वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है और ये आपको वीडियो मिलेगी किसमें, लाइव विद उमेर में, ठीक है। और आपने जरूर देखना है और उसके उसमें उन्होंने वो एक कहा हुआ है कि अगर 5000 लाइक होंगे उस वीडियो के तो वो फिर जो है ना इससे ज्यादा यानी कि बड़ा किसी का चैलेंज करेंगे, जैसे मैकडोनल्ड हो गया या कोई और हो गया। तो आपने लाजमी उनके जो चैनल है ना उसको 5000 लाइक इस वीडियो को जरूर करने हैं जो उनकी वीडियो आने वाली है, ऑल मेन्यू ऑफ डोमिनोज पिज्जा, ओके। ये देखें जी ये पिज्जे आ गए हैं, ये सारे पिज्जे खाएंगे हम भी। तो ये जी हम इधर आए हुए हैं तो आयशा इधर आई है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बस ब्रदर्स की तरफ से बस ब्रदर्स को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को ईद मुबारक। ये ईद मिलन पार्टी थी उमेर की, हम यानी कि प्लाजे पे आए हुए हैं और वहाँ पर हम ये पार्टी कर रहे थे तो आयशा भी आई हुई है, बाकी सारे भी आए हुए हैं। तो और आशा, आशा कुछ कह रही है, लास्ट वीडियो में भी कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? यही कह रही थी मेरे साथ चलिए आप। तो कब जाना है अभी वीडियो बनाने?
जिस दिन फ्री हो गए उस दिन हम तैयार हैं वीडियो बनाने के लिए आशा के साथ। हमने कॉल करनी है, हर संडे को हम फ्री होते हैं, हमारी वीडियो बनती है संडे वाले दिन, हम और किसी दिन नहीं फ्री। तो संडे को बना लो, बल्कि इस संडे को तो किसी ट्रिप पे चलेंगे, कोई लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं, ठीक है, बाजू भी तैयार कर लो, सारे चलेंगे, कोई इस्लामाबाद का चक्कर लगा के आते हैं, कहीं और लगा के आते हैं, बैठे रहेंगे इस्लामाबाद में, बस गाड़ी का सफर ही होता है, मैं दो बार जा चुकी हूँ, गाड़ी मजा नहीं आता। मतलब हम इस्लामाबाद गए थे, हमें बहुत मजा आया, जब वो आप मुनाल में हमने डिनर किया था, वहाँ चलेंगे, ऐसे कर डिनर होगा इस्लामाबाद मुनाल में, डिनर आयशा लाइव विद आयशा की तरफ से, बस ब्रदर मेरा तो चैनल का बजट बहुत कम है, हमारे चैनल का तो बजट सबसे कम है जितने भी चैनल हैं, लेकिन आप शो जो भी तो करते हैं, मैं तो बेचारी कुछ नहीं करती लेकिन हम खर्चा भी करते हैं, जब भी बाजू होगी हमारी तरफ से होगी, ठीक है। और सारे जो है ना यहाँ बैठे हुए हैं, आयशा उधर बैठी है, सारे इधर बैठे, जिसमें चल जा रही है, दो भाई इधर बैठे हुए हैं, तो सारे एंजॉय कर रहे हैं जी, बहुत ज्यादा ना पिज्जा बहुत ज्यादा खा लिया, और सुस्ती चढ़ गई अब यार, अब चाय पीनी है, चाय होनी चाहिए, लो जी चाय होनी चाहिए, मेजबान कौन है भाई, बैठे हैं बिलाल, बैठे हैं और बिलाल ठीक ठाक हो, ईद मुबारक है बिलाल, बिलाल को ईद मिली हुई है, पहले मैं अब वीडियो में ईद मुबारक कह रहा हूँ, अली भाई को तो हम ईद वाले दिन जाके मिल के आए थे, ईद मुबारक, ठीक है। और इधर अली भाई दूसरे बैठे हैं, आपको अली भाई ईद मुबारक, ईद मिली हुई है, वीडियो भी ईद मुबारक कह रहे हैं, और मोमना भाभी को भी ईद मुबारक, आयशा से तो काफी डिस्कशन हुई आज, आयशा के साथ हम वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द, आयशा के खर्चे भी और अनम से ईद मिली, ईजी ले जाती है, बिलाल बड़ा पावरफुल आदमी है, चीटिंग करते ही है, चीटिंग की है, चीटिंग की है। ले जी अब पी रहे हैं चाय, आए हाय आए हाय, चाय मिल गई, हमको सब कुछ मिल गया यार, सब कुछ मिल गया, अनम से को चाय नहीं मिली, मिल गई आयशा चाय नहीं पीती, तो जी सब अब जाने लगे हैं, आयशा भी जाने लगी है, बाकी सारे घबरे जा चुके हैं, आयशा भी अब जा रही है घर, तो उमेर भाई हो के भाई चलते हैं, हम आप लोग जा रहे हो भी ससुराल जा रहे हैं, आयशा को छोड़ने जा रहे हैं जी, आयशा इधर रह गई थी और ये हमारा काका है, इसको छोड़ के हम जा रहे हैं, ओके बाय बाय चाचा चाचा बाय, चलें जी चलते हैं। तो जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया हुआ है, कल जो है ना हम गए हुए थे प्लाजे पे और वहाँ पर बहुत बड़ी वीडियो थी एक उमेर की, वो लाइव भी उमेर में आएगी, और वापसी पे क्या हुआ था रात को कि गाड़ी हो गई थी पंचर, तो हम ना वीडियो जो है ना वो ख़त्म नहीं कर सके, तो यहाँ जो है ना आज थोड़ी थकावट फील कर रहा है, तो उसको भी मेडिसिन दी है शने, तो और जे भाई कैसे रहा कल? कल बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा था और बहुत ही जबरदस्त लोग आने वाले हैं, आप आगे ना लाइव फिर उमेर में भी आएगा और भी बाकी जो हमारे फैमिली के चैनल है उधर भी व्लॉग आने वाले हैं, तो इसी तरह हमें यानी अपने दुआ में याद रखें और हमारे व्लॉग शो देखते रहें। तो वीडियो जो है वो हमारी जो है ना कल ख़त्म नहीं हो पाई थी, तो आज हम वो वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ से हम एक नई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम कुकिंग कर रहे हैं और कुकिंग व्लॉग बनाएंगे हम, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बल्कि हमारे बाकी सब चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, आपको पता ही है पूरे खानदान के जितने भी चैनल हैं सबको सब्सक्राइब करें, और ना भी मेरा भी चैनल हुआ है, खुश रहें, सबको खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।